लो भाई, बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला नॉमिनेशन है ये सीजन का, और इस नॉमिनेशन में सबके असली चेहरे नजर आएंगे और लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि भैया कौन अपना है और कौन मुझे पसंद नहीं करता है। जैसा कि करणवीर और ये जो अपने वकील साहब हैं, इनके बीच में अच्छी वाली कहासुनी हो रही है, क्योंकि करणवीर का ये कहना है कि ये जो वकील साहब हैं ये सिर्फ सोते रहते हैं, इनका कोई घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये घर में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इस पे वकील साहब का कहना है कि हे करण, तुझे कौन जानता था, मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था और मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ आके तुझे जाना हूँ। तो करणवीर का कहना था कि भाई मैं भी आपको नहीं जानता था, मैंने भी यही आपको देखा है, इससे पहले मैं भी आपको नहीं जानता था, तो ये कोई बात नहीं होती है, आप मुझे नहीं नज़र आते हैं तो नहीं नज़र आते हैं। और इस पे हीटेड आर्ग्यूमेंट करणवीर और इनकी होती है अपने वकील साहब की। वहीं दूसरी तरफ चाहत को टारगेट किसने किया है, चाहत को टारगेट किया है विवियन ने। विवियन ने कहा है कि भाई चाहत एक ऐसी लड़की है कि वो 5 लोगों से 5 तरीके की बातें करती है, वो मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, और इसीलिए मैं उसको नॉमिनेट करता हूँ। और यहाँ पे फिर चाहत और इनकी विवियन की भी अच्छी वाली बहस होती है, क्योंकि चाहत का कहना है कि आप अपने काम से काम रखिए, आप मुझे एडवाइस मत करिए। विवियन का कहना था कि भाई मैं तुझे एडवाइस नहीं कर रहा, मैं मुझे नॉमिनेशन के लिए बोला गया तो मैं नॉमिनेट तो तुझे करूंगा ही, और तू ऐसा करती है, और जब तू करने लगे विवियन, तो चाहत का कहना था कि ए तू मत बोलना, प्यार से बात करो मेरे से। तो इस तरीके की चीज़ें बिग बॉस के घर में चल रही है भैया। नॉमिनेशन में बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है सभी लोगों को कि भैया कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।